जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ वरदानों की सीरीज के जो 108 वरदानों के मनके की माला है उसका अगला वरदान यानी कि वरदान नंबर 17 आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बहुत सारा समय वरदानों की सीरीज को बनाने के लिए लगाया है, उसके ऊपर खोजबीन की है, हजारों हजार लोगों से मिलने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से नवग्रह देवताओं की कृपा से आप सभी लोगों में से कुछ विशेष लोगों को उनके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जिनका लेखा जोखा यमराज के जो असिस्टेंट हैं चित्रगुप्त देवता जो हैं वो रखते हैं और उसके आधार पर विभिन्न नवग्रह देवता आपको अपने शुभ और अशुभ फलों को प्रदान कर इन्हीं कुछ विशेष शुभ फल जो हजारों लाखों जन्म कुंडलियों में से हजारों लाखों व्यक्तियों में से एक आध व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के वरदानों के बारे में मैं अपनी रिसर्च को लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। हमारा जो वरदान नंबर 17 है वह आपको चंद्र देवता की विशेष कृपा के फलस्वरूप प्रदान होता है। तो क्या है वरदान नंबर 17, क्या है इसके शुभ फल जो वरदान के रूप में आपकी सारी जिंदगी में खुशियां भर देते हैं, तो इस विषय पर आगे चर्चा करने से पूर्व मैं आप सभी लोगों से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के यानी घंटी के बटन को दबाना, आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप घंटी के आइकन को दबाएंगे तभी आपको हमारे जो नए नए वीडियो जो हम आप सभी लोगों के लिए बनाते हैं या वरदान सीरीज के जो 108 वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं उनकी सारी जानकारी रिलीज होने के साथ ही उस वीडियो के आपको स्वतः ही आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी। वरदान नंबर 17 के बारे में, क्या है वरदान नंबर 17 और कैसे आप अपनी जन्म कुंडली में स्वयं जांच कर सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं कि चंद्र देवता ने यह वरदान आपको दिया है या नहीं और इसके फल क्या है। तो सबसे पहले हम फलों के ऊपर आते हैं कि इस वरदान से आपको क्या फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, उनका एक पैर हमेशा विदेश में होता है या विदेश में ही वास करते हैं, एक्सपोर्ट के काम में, मिल्क के काम में उनको, कोल्ड ड्रिंक के काम में, पानी से संबंधित काम में उनको अत्यधिक सफलता हासिल होती है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। वरदान को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका है। आप अपनी, अपने परिवार, अपने बच्चों की जन्म कुंडली में, अपने इष्ट मित्रों की कुंडली में और अपने पड़ोसियों की कुंडली में बहुत आराम से इस वरदान को केवल 2-3 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि चंद्र देवता कब और किस स्थिति में आपको भाग्यशाली बनाते हैं, कब आपका एक पैर विदेश में रखवा देते हैं या आपको विदेश में ही सेटल करवा देते हैं, कब आपका दूध, कोल्ड ड्रिंक, पानी या एक्सपोर्ट का कोई भी व्यापार सफलता की उच्चतम स्तर तक पहुंचता चला जाता है, उस सब के लिए जो जिम्मेवार है वो आपके पूर्व जन्म में जो आपने शुभ कर्म किए थे उन शुभ कर्मों के कारण। अगर आपके चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में शुभ होकर अपनी स्वयं की राशि में यानी कि कर्क राशि में, कैंसर जोडियाक में या फिर मित्रों की राशि में स्वस्थ होकर मित्रों के साथ 12-13 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से ऐसे चंद्र देवता लगन में बैठे हुए ऐसे चंद्र देवता आप
आपको भाग्यशाली बनाते हैं। आपका वास बारंबार विदेशों में भ्रमण होता है और परमानेंट भी आप विदेश में वास करने योग्य बनते हैं। आप भाग्यशाली होते हैं। एक्सपोर्ट के व्यापार में, इंश्योरेंस के व्यापार में, दूध कोल्ड ड्रिंक एवं पानी के व्यापार में आप अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। चावल के व्यापार में भी आपको अच्छा खासा मुनाफा होता है और आप समाज में एक सम्मानित और आदर्श व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान बनती है। लोग अनायासी आपके सहयोगी बन जाते हैं, चाहे वो आपको जानते ही नहीं, आपके फॉलोअर्स बनते चले जाते हैं और आप एक समाज में सम्मानित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त करते हैं। यह है वरदान नंबर 17 का शुभ फल। तो आप बहुत आसानी से किसी व्यक्ति की भी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखकर, लगन में बैठे हुए चंद्रमा की स्थिति को देखकर बता सकते हैं कि यह चंद्र देवता आपको क्या वरदान देने वाले हैं, उस जन्म कुंडली के मालिक को क्या वरदान दे रहे हैं, यह आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस बात की चर्चा करने से पूर्व मैं आप सभी लोगों से एक बार पुनः कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान है, चाहे वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई या उनका पढ़ाई लिखाई में मन न लगने से, या उनके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ रहे उस वजह से परेशान है, या उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या आपकी अच्छी नौकरी नहीं है, या आपका बॉस आपको परेशान करता है इस वजह से परेशान है, या शादी प्रेम से संबंधित परेशान है कि शादी आपकी नहीं हो पा रही है, शादी तय होती है रिश्ता टूट जाता है, या आपको आपकी प्रेमिका धोखा दे रही है, या आपका प्रेमी आपको धोखा दे रहा है, या आपको व्यापार में घाटा हो रहा है, धन की कमी से आप परेशान हैं, संतान के होने या ना होने की वजह से परेशान है, यानी आपको शादी के बहुत समय बाद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है उस वजह से आप परेशान हैं, अपनी बीमारियों की वजह से परेशान है, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी की वजह से परेशान है, अपना आपका बिजनेस सेटअप नहीं हो पा रहा है उस वजह से परेशान है, या बिजनेस में बाधा आ रही है उस वजह से परेशान है, या आप विदेश जाना चाहते हैं मगर विदेश नहीं जा पा रहे हैं इस वजह से परेशान है, क्योंकि रुकावटें आपके रास्ते में अड़चनें बनी हुई हैं, अलग अलग तरीके की रुकावटें आपके आपको आपके हर कार्य में बाधा पहुंचाती हैं। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर मुझसे यानी गुरु रजनीश ऋषि से, गुरु मां रुक्मणी से, या स्वामी राज ऋषि से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी हर प्रकार की परेशानी के लिए बिना किसी झिझक के आप चर्चा कर सकते हैं। निसंदेह इस सब के लिए आपको एक बहुत छोटी सी फीस देनी पड़ती है, उस फीस से हम यहाँ पर यहाँ की संचालन व्यवस्था, यहाँ पर हम कंप्यूटर कोर्स चलाते हैं गरीब लड़कियों के लिए, उस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को संचालन करने के लिए और उन लड़कियों को, उनमें से प्रत्येक लड़की को स्कॉलरशिप दी जाती है उसके लिए, या जो हम यहाँ से प्रसार व्यवस्था चलाते हैं मंगलवार और शनिवार के दिन, उस प्रसाद की व्यवस्था को चलाने के लिए कार्य में आती है। तो आप जो भी फीस के रूप में पैसा देते हैं वह निसंदेह एक शुभ कार्य में प्रयुक्त होता है। आज की इस चर्चा को विराम देते हुए शीघ्र ही मैं आप सभी के समक्ष पुनः प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।